साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। आपने कई बड़े शहरों के बारे में सुना होगा जो अपनी बढ़ती आबादी के लिए आए दिन चर्चा में रहते हैं, पर अगर आपको पता लगे कोई ऐसा भी शहर है जहां की आबादी महज एक है, नहीं समझे तो दोबारा समझ लीजिए। एक ऐसा वीरान शहर जहां सिर्फ एक ही इंसान रहता है। जी हां, ये सच है। आखिर कैसे बना ये वीरान शहर? ये अजीब वीरान शहर देखने में बड़ा ही खूबसूरत है और इसमें घर भी बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर रहने वाला सिर्फ एक ही आदमी है। तो फिर चलिए बताते हैं इसके पीछे की वजह। इस शहर का नाम तोमियाका है और ये जापान में स्थित है। ऐसा भी नहीं है कि ये शहर पहले से ही वीरान है। इस शहर में साल 2010 तक तकरीबन 15,000 लोगों की आबादी थी। इसके बाद साल 2011 में इस जगह पर सुनामी आई और इसके पास ही बने फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट में से रिसवा होना शुरू हो गया। इस हादसे की वजह से ये शहर खाली करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं था। रेडिएशन के रिसवा से संपर्क में आने वाले इंसान को गंभीर जानलेवा बीमारी हो सकती थी। रिसाव की वजह से हो रहे रेडिएशन के फैलने वाले क्षेत्र में तोमियाका भी आ गया था। इस खतरे से बचने के लिए लोग इस शहर को छोड़कर दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जाकर बस गए। लेकिन इस वीरान शहर के एक 58 वर्षीय नाओतो मुत्सुमुरा ने ये जगह नहीं छोड़ी। नाओतो का कहना है कि चाहते तो वो भी ये शहर छोड़कर जा सकते थे, पर उन्होंने यहाँ रहकर इस शहर में रहने वाले जानवरों की देखभाल करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इस वजह से वो यहीं रुक गए और तब से अब तक यहीं पर रह रहे हैं। यहाँ पर रहने वाले सारे जानवरों के लिए खाने व पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं। अपना समय बिताने के लिए भी नाओतोवा इन जानवरों के बीच में ही रहते हैं और यही कारण है कि इतने घर होने के बावजूद भी ये वीरान शहर है और बस एक शख्स ही यहाँ बाशिंदा रह गया है। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।